महाआरती समिति के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी नेता चेतन भार्गव पहुंचे मुलताई। मुलताई पवित्र नगरी में मात्र राप्ती उद्गम स्थल महारथी समिति के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता चेतन भार्गव पवित्र नगरी पहुंचे। मुलताई पहुंचने पर उनने सबसे पहले वहां पर मां तृप्ति मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूजा अर्चना की। वह इसके बाद पश्चात ढोल बाजे के साथ मां तृप्ति की परिक्रमा पूरी कर दोपहर तकरीबन 1 बजे मुलताई स्थित साईं कृपा होटल में बैठक की आयोजन ली। वही हम आपको बता दें, वहां पर कार्यकर्ताओं की भी बैठक ली गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया है कि बिना पद एवं दायित्व के भी हम समाज के लिए काम कर सकते हैं, बस इसे करते रहे व दृढ़ शक्ति का साथ होना आवश्यक है। IBN 24 न्यूज के लिए अनिस नायर की रिपोर्ट। भाई साहब, जो आज आपका यहाँ आगमन हुआ है, इस विषय में बताइए। आज मुलताई तहसील के अंदर, जिला बैतूल के अंदर माँ ताप्ती के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और साथ साथ हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा हमारे संगठन के लिए संघर्षशील रहते हैं, समर्पित रहते हैं, इन सभी कार्यकर्ताओं से मेरा मिलना करीब 1.5 साल से नहीं हुआ था। तो एक उद्देश्य हमारा मिलना भी था, ताप्ती माता के दर्शन करने थे। अभी ये चुनाव हुए, तो चुनाव मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने मुझे 6 विधानसभा की जिम्मेदारी थी, और सभी विधानसभा हमने प्रचंड बहुमतों से जीती है, चाहे वो बमोरी विधानसभा हो, 53,000 से हमने 63,000 से सांची विधानसभा जीती, 22,000 से मुंगावली विधानसभा जीती, 16,000 से हमने अशोकनगर विधानसभा जीती, और 25,000 से हमने पूरी विधानसभा जीती है। ये सभी विधानसभा हमने जीती। शिवराज जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, कहा था चेतन जी आप जहाँ जहाँ संघ के प्रचारक रहे हैं, इन सभी स्थानों की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ। मैं एक अंतिम प्रश्न और आपसे करना चाहूंगा। आप अभी मुलताई में जो ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर धरना दिया जा रहा है, स्थल पर भी पहुंचे थे? हाँ, वहाँ पर जो तो कार्यकर्ता, उन्होंने हमको बुलाया, जैसे हमारी गाड़ी वहाँ से निकली तो वो लोग सब सामने आ गए, उन्होंने कहा आप हमारा सहयोग करिए, हम लोग उनसे मिले, और वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी एक दादाजी वहाँ पर मिले, उनसे मिलकर आए, और उन्होंने हमको एक पत्र दिया है। हम भी हमारे क्षेत्र के सांसद जो DD UK जी हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं, और हमारा भी उद्देश्य है, और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा जनता की चिंता करी है, कई ट्रेनें चलाई हैं, बुलेट ट्रेन चलाई है, और भी ट्रेनें चल रही हैं, और यहाँ पर जो उनकी मांग है कि ट्रेनों का स्टॉपेज होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक नगरी मुलताई, हमने भी उनको आश्वासन दिया, हम सांसद महोदय जी से बात करेंगे, और उनकी बात सांसद जी तक ही पहुँचाएंगे, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाएंगे, और रेल मंत्री